हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्यामला एकेडमी ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट गनाटी शिमला। और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्विस स्टाफ। अगर आप F&B सर्विस में एज ए वेटर के रूप में काम करते हैं तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए ड्यूरिंग दी जॉब, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एज ए वेटर्स के रूप में कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारी इस वीडियो को देखिए, इस जाने कि एज ए वेटर्स के रूप में कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप में होनी चाहिए। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एज ए वेटर्स के रूप में कौन कौन सी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। तो जो वेटर्स में क्वालिटीज होती है तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि आपका ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम दो वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे पर्सनल हाइजीन में। तो हमारा टॉपिक है आज का क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ फूड सर्विस स्टाफ, तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आपको क्या क्या या किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका बाथ ट्विस्ट और डे और एटलीस्ट वंस टू अवॉइड बॉडी एडोर। आप जब भी अपनी शिफ्ट में जाते हैं तो एटलीस्ट आप शावर लेकर अपनी शिफ्ट में जाएं, नहाकर अपनी शिफ्ट में जाएं। अगर आपकी ब्रेक शिफ्ट है तो हो सके तो दोनों समय आप ड्यूटी पर नहाकर जाएं, ताकि आपके बॉडी में जितनी भी गंध है वो गेस्ट को ना आए। नेक्स्ट है आपका ब्रश टीथ एंड यूज माउथ वॉश डेली। अपने दांतों को डेली ब्रश करना है ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए। जब आप सर्विस करते हो तो गेस्ट के नजदीक आप जब सर्विस करते हो तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली आफ्टर द यूज ऑफ टॉयलेट। जब आप ड्यूरिंग द जॉब वॉशरूम यूज करते हैं तो जैसे आप वॉशरूम से आते हैं तो आप अपने हैंड को वॉश कर ले। ये सारी जितनी भी क्वालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप इसको रूटीन में ला सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पर्सनल हाइजीन की होती हैं। तो ये चीजें आपको ड्यूरिंग द जॉब नहीं बल्कि आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉट टच एनी ऑफ दी फेशियल पार्ट और टच ऑफ दी ब्लीमाइशेस एज आवर स्किन कैरीज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो आपको गेस्ट के सामने ऐसा कोई बॉडी का पार्ट टच नहीं करना है जिससे आपके बैक्टीरिया फूड के द्वारा आपके गेस्ट तक जाए या उनको कोई इससे हानि ना हो। तो ऐसा कोई भी पार्ट आपको अपनी बॉडी का गेस्ट के सामने टच नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करके वापिस अपने काम पे आना है। नेक्स्ट आपका नॉट स्नीजिंग कफ और ब्लू नोज टियर फूड एंड इन दी वर्किंग एरिया। जहां आप सर्विस कर रहे हैं, वर्किंग एरिया है जहां किचन में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पर छींकना नहीं है, खांसना नहीं है फूड के ऊपर, ताकि जो आपके बैक्टीरिया वो सीधे जाकर फूड में बैठ जाएंगे, जो गेस्ट उसको खाएगा तो उससे गेस्ट को प्रॉब्लम या वो बीमार हो सकता है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका नॉट बाइट नेल्स। आपको गेस्ट के सामने अपने नेल्स को बाइट नहीं करना है, ये आपकी बैड हैबिट को शो करता है फ्रंट ऑफ द गेस्ट। नेक्स्ट आपको नॉट यूज हैंडकरचीफ इन द रेस्टोरेंट। गेस्ट के सामने अपने हैंकी को आपने यूज नहीं करना, अपने फेस को साफ नहीं करना है, अपने नोज को साफ नहीं करना है, इससे गेस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज से आपको बचना है। नेक्स्ट आपका कीप शूज वेल पॉलिश्ड। तो ये आपका हाइजीन में आता है कि आपकी जो पॉलिश है वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एंड देन जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है, वेयर क्लीन एंड वेल लॉन्डर्ड यूनिफॉर्म। जो आप यूनिफॉर्म आप जो यूज करते हैं किसी होटल्स में, वो आपकी वेल क्लीन्ड और वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे हफ्ते में एक ही ड्रेस पहन रहे हो और आपकी बॉडी से गंध आ रही हो जिससे गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अपनी ड्रेस या अपनी यूनिफॉर्म को डेली लॉन्ड्री में जाकर चेंज जरूर करें। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको पर्सनल हाइजीन में आपको ध्यान रखने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मेल और फीमेल के हाइजीन की अगर हम बात करते हैं, तो मेल के लिए चाहिए कि वो डेली शेव करके जाए, उनकी क्लीन शेव होनी चाहिए, उनके जो बाल है बियर्ड्स है वो लंबे नहीं होने चाहिए। और अगर हम बाल की बात करें तो बाल उनके छोटे और वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, जो उनके नेल्स है वो क्लीन होने चाहिए और वेल ट्रिम्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो आप बॉडी स्प्रे या कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं तो हैवी नहीं होना चाहिए, ताकि आपके गेस्ट को ड्यूरिंग द सर्विस प्रॉब्लम ना हो। अगर हम यहाँ पर फीमेल्स की हाइजीन की अगर हम बात करते हैं
तो उनके जो हेयर्स है वो शॉर्ट और टाइट अप होने चाहिए, उनके नेल्स क्लीन और छोटे होने चाहिए, और ऐसा कोई भी हैवी मेकअप नहीं होना चाहिए। आप वहां पर लाइटली मेकअप वहां पर कर सकते हैं, और जो जितनी भी ज्वेलरीज है उसको अवॉइड करना है, कोई भी हैवी ज्वेलरीज आपको वहां पर पहनकर नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो पर्सनल हाइजीन में आती हैं, जो चीजें हमने यहां पर बताई है और जो मेल और फीमेल के लिए बताई है। तो ये सारी जो क्वालिटीज है वो सर्विस स्टाफ इन नॉट इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट बट होटल्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो गेस्ट के कनेक्टिविटी में आते हैं, तो ये सारी चीजें उनको फॉलो वहां पर करनी पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो रेस्ट आपकी जो क्वालिटीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको वीडियोज रिक्वायर्ड है कि हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में होनी चाहिए, तो आप हमारे को पर्सनली मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम उस वीडियोस को आपके सामने लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच।